सत श्रीकाल दोस्तों, मैं तो अपना सुखचैन राही RS ग्लोबल इमीग्रेशन तो जिमें कि वादे मुताबक 4 बजे लाइव होने की पोस्ट पाई सी। सो ड्यू टू ट्रेन से मैं वो टनल होने करके नैटवर्क की प्रॉब्लम करके मैं उत्तर लाइव नहीं हो पाया। सो हूँ अद्धा घंटा लाइव, एक घंटा लेट हो रहा मैं। सो अगले 10 मिनट तुम लाइव रहागा, ध्यान सारे स्टूडेंट्स नाल जुड़ जाए, जेडे स्पैशली इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी देर तो वेट सी नवी अपडेट्स, क्योंकि अज भी सारा दिन तकरीबन 8 कॉलेज यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे मिलकर आए, जिन्हें 2 यूनिवर्सिटी से 6 कॉलेज से। सो उन्होंने मिलकर अच्छे नवी अपडेट लैके तो मूहे आए हैं। सो दोस्तों, जोड़े इंडियन स्टूडेंट्स ने उन्होंने अपडेट्स ये है कि जोड़े बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IT की जिदा CSE जी कंप्यूटर साइंस की अगर तुम बीटेक की 4 साल की वो असी बच्चों स्कॉलरशिप स्कीम्स तो वर्क पाउंड भी शुरू कर जा रहे हैं, क्योंकि इन्हों IT वाले यंग स्टूडेंट्स की बड़ी लोड़ है। सो वो पहले इतने स्टूडेंट को जैपनीज लैंगुएज का निहंगो का कोर्स करूँगे 1 साल का, जिसे स्टूडेंट N3 की तक पढ़ाई करेगा, यानी कि टोटल जैपनीज लैंगुएज लिए स्टार्टिंग N5 N4 N3 N2। सो N2 तक की पढ़ाई स्टूडेंट को करवाई जाएगी स्कॉलरशिप से, उस तो बाद कंपनी उन्होंने सीधा अपनी ऑर्गेनाइजेशन जॉब देगी। सो जे सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हो गए, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हो गए, वो जापान के साढ़े को वर्क परमिट लिए भी हम अप्लाई कर पाएंगे। सो वापस 2nd मैं आ जाना 3 अप्रैल ट्यूजडे वाले दिन जलंधर ऑफिस आके मैं जी नवी अपडेट्स है जापान बारे लिया जा सकती ने। सो इस वीडियो अगर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दौ, मैं ताइयों तुम्हें अच्छ बिजी होने करके फिर भी चलो 10 मिनट लाइव रह रहा, मैं ज़्यादा देर लाइव नहीं रह पाऊँगा, हाले भी मैं बाहर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचा नहीं, हाले भी बाहर ही हाँ मैं। सो वीडियो अगर लोगों तक शेयर जरूर कर दौ, जोड़े वर्क परमिट के चक्कर ठग एजेंटा को जाके अपने पैसे खराब कर रहे, टाइम खराब कर रहे, जोड़े एलिजिबल स्टूडेंट होना असी वर्क परमिट की ऑप्शन भी इशू करा, पर वे स्टूडेंट जिन्होंने इंडिया बीटेक की है स्पैशली वे स्टूडेंट जिन्होंने IT के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE इंजीनियरिंग उस तो बाद मकैनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोटिव जिन्होंने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हब है जापान। सो बहुत सारिया कंपनीज जिड़िया जापान इंडिया भी उन्होंने सेंटर इंडिया उन्होंने अपने मैनुफैक्चरिंग हैगी है। सो उन्होंने साड़ी गलबात चल रही है, MOU साडा साइन 2 कंपनी हो भी चुके हैं। सो सारी इनफॉर्मेशन मैं अपने ऑफिस बैठ के मंडे ट्यूजडे वाले दिन अगले हफ्ते 3 अप्रैल देवगा। सो अज अलग अलग 2 यूनिवर्सिटीज़ जन नागासाकी दी, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो 6 कॉलेज मिल के आए जिन्हें लैंग्वेज प्रोग्राम भी है, बैचलर डिग्री भी है, मास्टर्स प्रोग्राम भी है। बट फिर जो मैं एक गल रिपीट कर दें कि जापान वो वाला स्टूडेंट आवे जिहड़ा लैंगुएज सीखने तैयार है, क्योंकि विदाउट लैंगुएज बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट होंदियां ने। जितों तक मेरा अपना पिछले 6 दिन का एक्सपीरियंस कहता है, कैनेडा नालों, ऑस्ट्रेलिया नालों, न्यूजीलैंड नालों, UK नालों, USA नालों कितने वध के बैटर ऑप्शन है उन्हां स्टूडेंट लई जो जिंदगी एक चंगा फ्यूचर वेखना चाहते हैं, एक चंगे भविख की आस विच ने, बट सिर्फ भेड़ चाल च मगर लग के कि मेरा मामे का मुंडा कैनेडा बैठा या मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया बैठा या मेरा कोई कजन न्यूजीलैंड बैठा, उन्हां चक्करां च न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कैनेडा जा रहे हैं। बट मैं नहीं कहता कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कैनेडा ना जाओ, मैं खुद उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज कैनेडा दी प्रमोट करता है, बट जापान के हाले कंपीटिशन बहुत घट है, मतलब हाले स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा लोड़ है। अज असी एक यूनिवर्सिटी गए सी, बट वॉज द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी जो नागासाकी वेस्टलैंड यूनिवर्सिटी ना, सो वेस्टलैंड यूनिवर्सिटी नागासाकी गए, वह इंटरनेशनल जरा हैड सगा एंड कह रहा सू इंडिया के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा लोड़ है। ऑलरेडी जापान के नेपाल तो बहुत वड्डी गिनती स्टूडेंट है। डू यू हैव आइडिया हाउ मैनी नेपाली स्टूडेंट्स आर हियर इन जापान? ऑल ओवर जापान अराउंड 1 लाख, अराउंड 1 लाख नेपाली स्टूडेंट। सो तकरीबन 1 लाख नेपाली स्टूडेंट जापान च रह रहे हैं, जो पढ़ाई के बाद किसी ने वर्क परमिट पर आ गया, किसी ने इतने PR ले ली हुई है, जिन्हें भी कॉलेजेस के असी विजिट किया मैक्सीम जे इंटरनेशनल हैड से या मार्केटिंग हैड से वो सारे के सारे नेपाली स्टूडेंट पढ़ाई के तौर पर गए थे, अच्छे पक्के हो चुके या PR हो चुके हैं। हाँ वही देख रहे ना, असं इतने फैमिली मार्ट आ जिदा इतने अपने इंडिया होंगे ना बिग बाजार या बेस्ट प्राइस करके, इतने भी फैमिली मार्ट है लैसन करके, उ सारे नेपाली स्टूडेंट काम करते,
कि नेपाली स्टूडेंट की तकरीबन गिनती 1 लाख तो उपर है जापान के, पर जे मैं इंडियन स्टूडेंट की गल करा तो बहुत नामात्र हूँ तक गिनती का मैं सिर्फ इतने 2-4 स्टूडेंट मिले ने जोड़े भी उन्होंने पंजाब का तो कोई भी नहीं सगा, वो भी कोई बंगलौर का से कोई मुंबई तो जोड़े 4-5 मिले हैं जो साढ़े स्टूडेंट अभी भेजे तकरीबन 100-150 स्टूडेंट वो संडई च है उसी वैनसडे जावे संडई उत्तर जाके तो सारे ने गलबात करावे। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि जापान हुण पंजाब के स्टूडेंट लई नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट लई एक बड़ी वधिया ओपरचुनिटी बन के आ रहा है, जिथे मैं जिहड़ी कि मैनू गल समझ लगती है कि जदों असी कोई प्रॉपर्टी लैनी होवे ना तो प्रॉपर्टी उत्थे लैनी चाहिए जिथे रेट घट होवे ताकि कल नूं जदों इन्वेस्टमेंट की होवे तो फायदा मिले, जिथे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट रेट प्रॉपर्टी का ज़्यादा है उत्थे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा कोई नहीं। सो बेसिकली अज्ज जे जिंदगी नूं इन्वेस्ट करना अपने समय नूं इन्वेस्ट करना चंगे फ्यूचर के लिए तो तुहानूं जापान दे विच अपना समा इनवैस करना चाहिए ताकि तुहानूं चंगी रिटर्न मिले, रिटर्न वजों तुहानूं चंगा भविख चंगा फ्यूचर मिले। सो बहुत सारिया फोटोज़ वीडियोज़ बना के मैं लै रहा वापस आके जिहड़े साडे टीवी शोज़ ने या फेसबुक चैनल्स आ या यूट्यूब चैनल उन्होंने सारे असीं वीडियोज़ अपलोड करांगे ताकि तुहानूं जापान की लाइफ दिखाई जा सके। बेसिकली जापान आने का जिहड़ा मेरा कारण सीगा इह सीगा कि एक आप जाके स्टूडेंट लाइफ वजों देख सकां, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों तो मैं टैक्सी ट्रैवल करन दे नालों मैं लोकल जी ट्रांसपोर्ट नूं यूज़ करने की कोशिश कर रहा था कि बच्चों वाग एक्सपीरियंस कर सकता कि स्टूडेंट नूं किदां दियां प्रॉब्लम फेस करनियां पै सकदियां जां किदां दा एक्सपीरियंस लै सकदा। सो जापान बड़ी वधिया ऑप्शन है दोस्तों, बाकी कहण ते करन च बड़ा फर्क आ, नैट के उत्ते सारियां चीज़ां अवेलेबल आ, यूट्यूब ते जाके देखो कि जापान की लाइफ की है, जापान का एजुकेशन सिस्टम की है, जापान की इकोनॉमी की है। तो कुछ कु चेर जापान दुनिया की नंबर 1 अज बन चुका है पावर, अज जापान का पासपोर्ट दुनिया के 176 कंट्रीज एक्सैप्टेबल है, यानी कि मोर दैन 176 कंट्रीज जाने जापान जिसके को पासपोर्ट है जापान का उन्होंने वीज़ा लैन की लड़ नहीं होती। सो ऑप्शन कई है बट बच्चे ने देखना कि मैं बैटर फ्यूचर कितने मिल रहा, अज हर कोई कैनेडा आस्ट्रेलिया मगर तुरिया चलो जाओ जम जाओ चंगी गल है, बट जापान ताड़ी लोड़ आ दोस्तों, अज जापान दे विच ओल्ड एज परसन ज़्यादा ने, यूथ की लोड़ आ स्पैशली फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट। मैं जिन्हें भी कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल के आया मैक्सिम जोड़े उतों के इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हैड से देवर आस्किंग फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, वो कह रहे कि असं हम इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी मेहनती कौम गिनी जाती है। सो स्पैशली ये लाइव वीडियो उन्हां इंडियन स्टूडेंट लई जो पढ़ाई तो बाद एक चंगा फ्यूचर देखना चाहते हैं। जापान एक कली कली किहो जी कंट्री है जिहदे च 28 आवर्स काम करन दी परमिशन है, तुहानूं स्टूडेंट नूं पढ़ाई दे नाल 28 आवर्स काम करन दी परमिशन है। तो अजकल इत्थे स्कूलां कॉलेजां छुट्टियां ने, स्प्रिंग छुट्टियां चल रहीयां ने स्प्रिंग सीजन करके, आई थिंक 4 नूं ओपन होने सारे स्कूल। सो बच्चे अजकल फुल टाइम काम कर रहे हैं, जिन्हें भी स्टूडेंट ना जो साडे कोलों गए उन्हां नाल मेरी गलबात चल रही है, कोई 1.5 लाख महीने का कमा रहा, कोई 2 लाख महीने का कमा रहा, एंड ये सिर्फ एक हवाई फायर नहीं क्या, आई कैन प्रूव इट। जे कोई ये सबूत मंगना चाहता तो मैं वो बच्चे नूं नंबर दे दाँगा बच्चे का जिहड़ा बच्चा 1.5 से 2 लाख महीने का कमा रहा। सो पंजाबी कौम बड़ी मेहनती कौम गिनी जाती है। सो दोस्तों मेरी इस वीडियो अगे लोगों तक जरूर पहुँचाओ, जिहड़े स्टूडेंट पढ़ के एक चंगा भविख बना चाहते हैं, चंगी जिंदगी जीना चाहते हैं जापान दे नालों, मेरे ख्याल मेरे अपने तजर्बे मुताबक एट द मोमेंट कोई होर बैटर ऑप्शन हो सकती, क्योंकि जे मैं कैनेडा ना कंपेयर करा तो अच्छ तकरीबन 7-8 साल बच्चे लगते हैं कैनेडा च पढ़ाई करने बाद PR लेंदे हैं, और 8-10 साल आस्ट्रेलिया लग जाते हैं। किन्नी वड्डी गिनती बच्चे UK च गए वापस आए, आस्ट्रेलिया बड़ी वड्डी गिनती बच्चा वापस आया, हुण कैनेडा जा रहा पिछले 2-3 साल तो बड़ी वड्डी गिनती कि सारे थोड़े पक्के हो जाने, जिन्हें जहाज़ भर भर के जा रहे इतने जहाज़ भर भर के वापस होने, इन्नी गिनती बच्चा चल गया पक्के नहीं होना। तो जापान बच्चे हले है नहीं इंडियन, सो उन्होंने इंडियन स्टूडेंट की लड़ है, समय की नज़ाकत समझ की लड़ है, समय की लड़ समझिए एक चंगा भविख लिया जा सकता। सो जड़े भी SM लाइव ने नाल कोई सवाल पूछना चाहते हैं 2 मिनट मैं होर लाइव रहा तेरे सवाल के जवाब देने, बट ये वीडियो अगर दोस्तों अपने दोस्तों तक फैमिली तक शेयर जरूर करो, क्योंकि जापान जी के रह के पढ़ के एक चंगा भविख बनाने दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ प्लेस, दिस इज राइट टाइम। बाकी ऑपरचुनिटीज़ के नाल मैं भर के बैग दो टैची भर के मैं लैके आ रहा ऑपरचुनिटी के। सो 3 तरीक न 3 अप्रैल अपने जलंधर ऑफिस मैं मिलागा 11 बजे तो लैके 3 बजे तक। एनी वन हु वॉन्ट टू मीट मी ही कैन बुक हीज और हर अपॉइंटमेंट विद माई टीम एट 7050970509। इस नंबर पर कॉल करके मेरे अपॉइंटमेंट बुक कर लो 3 अप्रैल दिन ट्यूजडे वाले दिन 11 से 3 बजे तक।
सो अहमद जट क्या हाल है जी, ठीक हो? जकीर अब्बास अहमद पाकिस्तान के लिए भी बताओ। फिलहाल इंडियन स्टूडेंट की गल की जा रही है, बट इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान यू कैन ऑल्सो अप्लाई विद द सेम प्रोसीजर एज इंडियन स्टूडेंट्स। थैंक यू जी। प्रीत एंजल गौरव, थैंक यू। हरपाल राणा, सत श्रीकाल सर, मेरे बेटे का कुछ हल हुआ। थोड़ा बेटे का नाम और फाइल नंबर दसो जी, बाकी तुसी ऑफिस एक बार गल कर लो। फिलहाल तो मैं ऑफिस नहीं हाँ। रिया शर्मा, थैंक यू जी। राजप्रीत, थैंक यू। गुड ईवनिंग सोनिया, थैंक यू जी। गुड ईवनिंग, गुड ईवनिंग। वर्क परमिट का पता करो, कर लिया जी वर्क परमिट का पता। बी टैक स्टूडेंट वाले लिए वर्क परमिट की ऑप्शन लैके आ रहा वा मैं। तो स्टूडेंट जिन्होंने बी टैक सी एस ई की आई टी की या मकैनिकल की या ऑटोमोबाइल की की है, उन्होंने वर्क परमिट की ऑप्शन शुरू कर रहे हैं। बट वो कुछ कंडीशन हो जो स्टूडेंट्स आके मिलेंगे उन्होंने डॉकूमेंट्स डॉकूमेंटेशन देख के फिर दसागा, क्योंकि वो भी पहला जरा स्किल टैसट होएगा, लैंगुएज का टैसट जरूर होएगा, एन थ्री का टैसट चाहिए। सर माई सन गोट सिक्स बैंड इन आयल्स एंड ही टेक आयल्स फ्रॉम योर सेंटर एंड आई एम अप्लाइड माई सन फाइल फ्रॉम योर सेंटर एंड माई सन अबाउट फाइल ऑफ न्यूजीलैंड एंड दिस इज माई फाइल नंबर 1212 अबाउट एंड कैन यू टेल मी अबाउट इंटरव्यू प्रोफेशन। निशा शर्मा जी, आई एम सॉरी, आई एम इन जापान एट द मोमेंट, आई डोंट हैव एक्सेस टू चेक योर सन्स फाइल। मैं एक बार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जा, आई विल आस्क माई टीम, दे विल कॉल यू अप एंड तुम दस देंगे तुम्हारे बच्चे का स्टेटस की है इस टाइम। टीम गुरमेल जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अ फाइल नंबर 1212 जिहड़ा भी स्टूडेंट है इन्हों फोन करके इन्हों का स्टेटस दसो, जो भी इन्होंने सवाल है उन्होंने क्लीयर करो। हैलो सर, गुड, थैंक यू जी। ओके निशा शर्मा, थैंक यू, थैंक यू। आई वॉन्ट टू मीट यू इन जलंधर ऑफिस। निशा शर्मा जी, तुम 3 तरीक आके मिल सकते हो, 3 अप्रैल 11 बजे तो 3 बजे तक जलंधर ऑफिस नवरोड़ा। आई ऑलरेडी गेव यू फुल डिटेल्स, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स यू कैन मीट मी इन माई जलंधर ऑफिस। जगदीप संधू सर, वट इज़ एज लिमिट ऑफ फॉर जापान? 18 साल तो उपर स्टूडेंट कोई भी चाहिए जरा प्लस टू पास क्लास हो, कोई भी स्टूडेंट जी प्लस टू क्लास पास है, 18 साल तो उपर उम्र है एंड पढ़ाई 5-6 साल तो ज़्यादा गैप ना हो एंड लैंगुएज सीखने च उदे च अंदर कीन इंट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि लैंगुएज सीखना कोई वड्डी गल नहीं, लगभग थोड़ी बहुत तो बोलनी मैं भी 2-3 दिन सीख ली है। सो मैं लगता जो बच्चा इतने आके डेडीकेशन पढ़ना चाहता रहना चाहता सैटल होना चाहता वो लैंगुएज सीखना इट्स नॉट अ बिग डील, कोई वड्डा मुद्दा नहीं। रिंदी खुद की गल, असी बच्चे क्लासेस जापान का वीज़ा लगाने तो पहला या जापान एडमिशन कराने तो पहले ही बच्चे असी नाल दी नाल दा ऑफ लैटर अप्लाई होएगा, COE लैटर अप्लाई होएगा, तो नाल दी नाल असी बच्चे 2-3 महीने की ट्रेनिंग देवांगे अपने जलंधर ऑफिस के, भी चंडीगढ़ ऑफिस जित्ती जा रही है एंड हुण नाल जलंधर ऑफिस भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी जापान की। सो जिहड़ा बच्चा लैंगुएज सीख के आएगा साढ़े कोलों बेसिक वीज़ा तो 100% लगेगा नाल दी नाल एक उत्थे जांदे ही जॉब लैण विच भी ईजी हैल्प हो सकती है। नाइस, बिल्कुल फुल टाइम 1.25 लाख कमा सकता जापान। थैंक यू ब्राड भजन जी, थैंक यू। अमनदीप सिंह, स्पाउस वीज़ा लग सकता? नहीं जी, फिलहाल एट द मोमेंट जापान स्पाउस नहीं अलाउड, स्टूडेंट कल्ला ही आ सकता, जो वर्क परमिट से आएगा स्टूडेंट उदों वो अपने स्पाउस को बुला सकता। हरपाल राणा, विकास कतर, विकास तुसी मैनू व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो जी, मेरे हरपाल राणा जी तुहाडे बच्चे दी मैनू ईमेल आ चुकी है कॉलेज वालों, मैं तुहानू फॉरवर्ड कर दिंदा। हो गया तुहाडा काम, वट पुट गैप 4-5 साल का गैप एक्सेप्टेबल है, नॉट मोर दैन दैट। बराड़ भजन, मनजीत, मनजीत आप एक मिनट बात करोगे अभी, ठीक है? मेरे नाल बिजनेस पार्टनर मेरे मनजीत ने, वो भी तुहानू कुछ गाइड करनगे कि जापान आने वाले बच्चों किन्ना गल्लां गल्लां दा ख्याल रखना चाहिए एंड स्पैशली दसो तुसी इन्हां नूं कि जिहड़े कॉलेज वाले सी इंडियन स्टूडेंट किदां दी इस टाइम डिमांड कर रहे हैं। सो से हैलो एवरीवन, हैलो, सत श्री अकाल एवरीवन, एवरीबॉडी। आज हम काफ़ी कॉलेज विजिट किया इधर, ठीक है, और जो भी कॉलेज में हम जाते हैं वो इंडियन स्टूडेंट को वांट करते हैं और इंडियन स्टूडेंट का जो भी ब्रेन है वो ब्रिलियंट है, इंडियन स्टूडेंट ये सोचते हैं वो लोग, इसलिए इंडियन स्टूडेंट को आने के लिए वो जापान लेके आने के लिए वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है और जो भी इंडियन स्टूडेंट है ना उनको जापान का कॉलेज वाला का एक और भी मैसेज है कि आप इंडिया जापान आने से पहले इंडिया में अच्छे से लैंग्वेज पढ़ के लैंग्वेज अच्छा बना के फिर जापान अप्लाई करना, मींस यू हैव टू स्टडी अराउंड 6 मंथ एंड यू हैव टू कंप्लीट N5 लेवल ओवर देयर इन योर कंट्री
after that, if you will apply Japan, you will be success in Japan. It is sure. And after getting N5 certificate, student can get 100% visa. 100% visa from Delhi embassy and all the embassy of India. No any worry. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈ ਅਪ ਵਿਦ ਨਿਊ ਕਾਲਜਿਸ ਇਨ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 10th 12th ਬੱਚੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਨੀਮਮ 18 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਫ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇਨਕਮ ਪਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਰੂਫ ਆਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ N5 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ N5 ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਡ 100% ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ਲੀ ਜੋਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਾ ਟੋਰੋਂਟੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਲਗਰੀ ਸਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇਪਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੇ ਨੋ ਆਲ ਦ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਜਪਾਨ ਯਾ ਬਿਕੋਜ ਅਲਾਟਸ ਆਫ ਨੇਪਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਹੀਅਰ इसलिए जापान आने से पहले उधर वो स्टूडेंट अच्छा लैंग्वेज बना के जो इधर बात कर सकते हैं नॉर्मल बेसिक वो उधर ही सीख के आएंगे इसलिए इंडिया में एक चीज़ क्या है आप लोग को बाहर निकलने का जल्दी है आप लोग मेहनत नहीं करते हो मेहनत कम करते हो आप लोग इसलिए लैंग्वेज खींचो मेहनत करो और आप जापान आओ यू विल बी सक्सेस ऑब्वियसली ओके नो नीड टू वरी थैंक यू जी थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स सो ए मिस्टर मनजीत सिंह जो पिछले लगभग 12-13 साल तो ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਪਾਨ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟਾਈਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬਸ ਜਪਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਰ ਐਸ ਗੋਲ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਆ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਗੋਬਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਪਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਦਆਊਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਜੈਪਨੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਆਏਗਾ ਆਮ 100% ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵਿਦਇਨ 15-20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਇਨ 15 ਡੇਜ਼ ਜੋਬ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਜਪਾਨ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਪਵੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਜਪਾਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਡਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੁਕੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਸ ਬੈਚ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਫੁਕੂਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ COEs 100% ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਰਿਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਚ ਜਨਵਰੀ ਬੈਚ ਸਾਡੇ 7 ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 100% ਰੀਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਯੋਨਾਰਾ
ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਯੋਨਾਰਾ ਮੀਨਸ ਬਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਯੋਨਾਰਾ ਜੀ ਸਾਯੋਨਾਰਾ। ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਪਾਨ 'ਚ, ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਗੁੱਡ ਵਨ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 80 ਬੋਰਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 82 ਬੋਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜਤੇ ਸੀ ਜਪਾਨ 'ਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਏਜ ਲਈ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਹੀ ਜੇ ਜਿਸਕੀ 90 ਅਬਾਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ 91 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 88 ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੋ, ਨਹੀਂ 90। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ 1989 ਵਾਲੇ ਆ 1988 ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ 35 ਸਾਲ ਕਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉਮਰ ਜਾਂ 34 ਸਾਲ ਕਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਏਜ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬਾਰ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਡ 100% ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। 70-500-9 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਨਿਸ਼ਾ ਬੰਗੜ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਇਨੋਚੀ ਕੋਈ ਚੀਵਾ ਸੋਰੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੈਪਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੱਸੀ ਮਾਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪਾਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ। ਕੋਨੀਚੀਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਨਾਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ। ਜਪਾਨ ਹੈਜ਼ ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਮਿਲਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਵਾਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਪਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਮ ਐਂਡ ਮੀਟ ਮੀ ਇਨ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਾਊ ਹੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਅ ਨਿਊ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਜਪਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।